हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकृति मौर्य एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो मेरा है टीजीटी आर्ट को लेके। टीजीटी आर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये नहीं पता कब होगा, बट नवंबर के आसपास एग्ज़ाम होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ बुक्स का कलेक्शन है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। मैंने भी फॉर्म भरा है, तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं मेरे पास एट प्रेजेंट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर टी जी टी आर्टिस्ट, भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास बाय डॉक्टर रीता प्रताप, ये मेरे पास है और ये बहुत मस्ट बुक है, तो ये लेना पड़ेगा सभी को। फिर ये वाला है ना, ये फॉर्म मेरे हस्बैंड ने भी भरा है, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। एक ये वाली बुक हो गई, पाश्चात्य कला का इतिहास राकेश गोस्वामी जी के द्वारा, ये दो बुक्स हो गई। उसके बाद ये देखिए, राकेश गोस्वामी जी के द्वारा स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स हैं, मई का है ये 2022 का, तो ये भी है। पहले ये दोनों बुक्स, ये दोनों प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये दोनों ख़त्म करनी है, और मैंने शुरू कर दिया है। 110 पेजेस के आसपास मैं पढ़ चुकी हूँ इसे, अभी इसे मैंने नहीं छुआ है। तो ये वाली हो गई। फिर उसके बाद ये देखिए, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की है, अध्यायवार सॉल्ट पेपर्स हैं कला का, टीजीटी पीजीटी एलटी सब इसमें इंक्लूडेड है, तो ये वाली बुक है। आफ्टर दैट ये एक और बुक है, इसमें 79 सॉल्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस बुक है टीजीटी कला की। ये उन्होंने जब 2021 में हुआ था तब लिया था उन्होंने, तो ये हो गई। और फिर ये चित्रकला एक शिल्पी का था, ये है। और ये देखिए, ये भी देखिए प्रैक्टिस सेट है, ये भी अच्छी चीज़ है। तो प्रायोरिटी शुड बी ये बुक ख़त्म करना, ये पाश्चात्य कला का इतिहास, फिर ये प्रैक्टिस सेट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक और बुक थी ना घटना चक्र वाली, और ये घटना चक्र, तो ये तो देखिए साइड में मैंने रख दिया, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स की मैं बात कर रही हूँ, दीज फोर बुक्स, ये देखिए, ये चारों बुक्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो जिन लोगों ने टी जी टी आर्ट भरा है, तो ये चारों बुक ज़रूर पढ़ें। ये रीता प्रताप जी की हो गई, और उसके बाद राकेश गोस्वामी जी का पाश्चात्य कला का इतिहास, फिर ये प्रैक्टिस सेट है, और ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पूरा इसमें है। तो जो मैंने बुक्स आप सभी को दिखाई, तो वो आप सब ले सकते हो अगर आप उसे चाहते हो लेना, अगर आपने टी जी टी आर्ट भरा है। बहुत अच्छी बुक्स है, और सही बता रही हूँ, ये जो भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास है बाय डॉक्टर रीता प्रताप, इतना बढ़िया बुक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और इतने अच्छे से लिखा गया उसमें, एक एक चीज़ एकदम डिस्क्राइब करके, और उसके बाद बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हिस्ट्री जैसे नहीं पढ़ते हैं, उसी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो तो आप ले लो, और बहुत लोगों ने ले लिया होगा, क्योंकि मुझसे भी बहुत बड़े बड़े जानकार होंगे जो लोग कई बार से फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन जो बिगनर्स हैं जैसे मेरे जैसे, और जिन्होंने पहली बार फॉर्म फिलअप किया है, तो मैंने सोचा उनको ये जानकारी दे दूँ। और मुझे भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी जानकारी मेरे हस्बैंड से मिली, क्योंकि वो दे चुके हैं एक दो बार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।